तो देखो, जैसा कि हम लोग यहाँ पे मैं और काजू डेलीगेट्स बन के आए हैं कश्मीर से, बट हमें यहाँ पे एक नया सरप्राइज़ मिल जाता है देखने के लिए कि राघव आयशा से शादी कर रहा है, जो कि आपने कल के एपिसोड में देख ही लिया होगा। तो जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब शॉक था। ऑब्वियसली मेरा प्यार है वो, तो मुझे बुरा भी लगेगा। और ये बात मेरी मम्मा ने मुझसे छुपा के रखी थी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि उनकी पोशाई कभी दुखी हो, बट फिर भी वो मुझे पता चल जाता है। तो या पश्मीना और राघव की जिंदगी अभी ऐसे मोड़ से गुजर रही है जिसका आगे कोई अता पता नहीं। कौन सा रास्ता कब कैसे टर्न ले ले किसी को पता नहीं। अब देखिए, पश्मीना काजू को लेकर डेलीगेट बनकर यहाँ आई तो थी, इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि काजू फिर से कश्मीर चली गई और अब यहाँ पर सिर्फ पश्मीना है। पारस मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, जिसको मैं पश्मीना सिर्फ एक अपना अच्छा दोस्त ही मानती है, बट पारस के मन में पश्मीना के लिए थोड़ी प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग्स हैं, बट ओनली वन साइडेड है ये। तो एक वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है, तो उसको लगता है कि उसके पास पावर है तो वो कुछ भी कर सकता है, बट प्यार तो पश्मीना का राघव ही है। तो या अभी तो शादी टूटी है, अभी आगे देखो आगे क्या होता है, इसके लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा। और पश्मीना की मदद के लिए अचानक से यहाँ पर आई उनकी माँ। अचानक से पश्मीना की माँ प्रीति को देखकर अविनाश चौंक गए। अविनाश तो चौंके ही, आयशा भी चौंक गई, क्योंकि इन चारों का इस कदर मिलना इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये किस्मत का रचा वो खेल है जो पश्मीना को राघव के करीब लेकर जा सकता है। वेल, आयशा और राघव की शादी तो फिलहाल होल्ड पर चली गई है, लेकिन क्या ये होल्ड राघव और पश्मीना की गाड़ी को आगे बढ़ा पाएगा, ये जानने के लिए देखते रहिए सब टीवी पर रोज रात पश्मीना धागे मोहब्बत के। और अपने फेवरेट शो से जुड़ी सारी फेवरेट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू स्टार स्टेशन टीवी। मुंबई से राहिला इस्लाम और संदेश जायसवार के साथ स्टार स्टेशन टीवी की रिपोर्ट।